आगे चलते हैं। हाँ रोहित जी, आपका सवाल अभी ले लेंगे और चंदर सुराना जी बेहतर उस पर जवाब दे पाएंगे, तो चंदर सुराना जी के पास चलते हैं। हमारे साथ में जुड़ गए हैं चंदर सुराना जी, यंग एनालिस्ट हैं, सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हैं, और इनकी स्टाइल पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, T1, T2, T3, और वो सारे टारगेट्स वो भले ही अपने हिसाब से वो महीने और हफ्तों के हिसाब से बताते हैं, लेकिन वो कुछ एक दिनों में भी ज़्यादातर अचीव हो जाते हैं। 99% कॉल आज तक सुपर मुनाफा दे चुकी हैं। बहुत स्वागत है चंदर जी हमारे शो पे एक बार फिर जुड़ने के लिए। नमस्ते सर। तो चंदर जी, आज सबसे पहले मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा अलग तरीके से चल रहा है, बहुत आज ना के बराबर मूवमेंट जैसा दिख रहा है, कम से कम निफ्टी के अंदर में। और शायद उसका कारण मुझे लगता है कि एक रिलायंस भी होगा जो डरा रहा है, 2% 2.5% या ऑलमोस्ट 3% तक नीचे चल रहा है आज की तारीख में। क्या मौके हैं यहाँ पे, ये बताइए। सर निफ्टी 15,700 से 15,900 के रेंज में ही खेल रहा है, तो नीचे की रेंज में आए तो आपको बाय करना है, ऊपर की रेंज में आए तो आपको शॉर्ट करना है। ठीक है, बहुत सबसे सिंपल स्ट्रेटेजी है, क्योंकि एक दायरे के अंदर में है, तो नीचे आए तो खरीदें, ऊपर जाए तो बेचें, क्योंकि अभी वो दायरे को तोड़ नहीं रहा किसी भी दिशा में, तो ना ऊपर बहुत ऊपर सीधा चल रहा है ना नीचे चल रहा है, ये कह रहे हैं चंद्र जी। ठीक है, ये तो इंटरेस्टिंग है। तो लेकिन इसके अंदर में स्टॉक स्पेसिफिक मौका कोई? सर स्टॉक स्पेसिफिक में एक स्टॉक का अपडेट देना है, अजमेरा रियल्टी करके एक स्टॉक दिया था आपको 175 पे, जी जी सर इसके टारगेट थे 200, 225, 250, ऑल टारगेट हिट सर। अच्छा, इसके भी सारे टारगेट्स। और अब इसमें क्या करना है, बाहर आ जाए, सारे प्रॉफिट बुक कर लें, खत्म। सर 70% बुक करिए और इसको रन करिए, क्या पता 300 हो जाए, मोमेंटम इतना स्ट्रांग है 300 भी हो सकता है। ठीक है, 70-75% तो कम से कम बुक कर ही लीजिए, बाकी कह रहे हैं चंद्र जी कि अभी थोड़ा सा 20-25% पड़ा रहने दीजिए, हो सकता है कि और बेटर लेवल्स देखने को मिल जाए। ठीक है, सर ये नेक्स्ट ग्लोबल स्पिरिट हो सकता है लोगों के लिए, नेक्स्ट क्या हो सकता है, ग्लोबल स्पिरिट हो सकता है, नेक्स्ट नेक्स्ट ग्लोबल हफ्ते स्पिरिट हो में गया था। सकता है। ठीक है। तो आज मेरा रियलिटी जो है वो ग्लोबल स्पिरिट जैसा एक बार फिर से ये भी भाग सकता है, जो ग्लोबल स्पिरिट ने जिस तरीके से जो चंद्र जी ने दिया था उससे पहले, और उसने जबरदस्त मुनाफे दिए हैं, 400 450 आखिरी कहाँ तक गया सर, हाई क्या लगाया ग्लोबल स्पिरिट ने, सर 600 प्लस क्या, सर 600 600 प्लस, प्लस 600 प्लस सर, ठीक है, इसलिए चंद्र जी कह देते सर हैं कि 362 सर, हाँ 633 का हाई शायद यही वाला है, नहीं, हाँ यस सर यही वाला है, यही वाला हाँ है, 362 पे दिया था सर। हाँ 362 पे अपने दिया था, 360 के आसपास के लेवल, तो उसके नीचे के टारगेट्स के लिए 380 400 450 के टारगेट्स तो आपने दिए थे, और वही ठीक वही वाली चीज जो अभी उसमें कह रहे तो हैं उसके बाद में 500 550 भी अपडेट किया था उसको कनेक्टिंग में, जी। वो भी अचीव हो गए हाँ, तो वो मैं कह रहा हूँ कि इसलिए चंद्र जी सर। बोलते एक हैं, स्टॉक और दिया था वेंकीज करके, सर हाँ वेंकीज आपने दिया था सर। वो 2500 में बाय दिया था, 2800, 3000, 3200, 3500 के टारगेट थे, इसमें भी सारे टारगेट हिट हो गए, ये ऊपर में 3900 तक गया, 3978 तक गया था। 3955 तक का हाई है इसका। ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो यस ये सर। इस तरीके के कॉल से एक अंदाजा लगा लीजिए कि ये ट्रेलर है, पिक्चर कैसी होगी। ठीक है, आज क्या करना है सर, टिकट आज क्या लें? सर आज के टिकट के लिए है पुराना स्टॉक था जो एक्टिवेट नहीं हुआ था, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन, ड्रेजिंग ग्रुप, ठीक है, लास्ट टाइम मैंने दिया था 465 के ऊपर बाई करना था, वो सस्टेन नहीं हुआ वहां पे, DRED जी 428, हाँ 428 के लेवल्स पे है, क्या करें, ले लें? सर ये 445 के ऊपर बंद होता है तब अपने को मंडे को लेना है इसको, अच्छा ठीक है, तो इसको वॉच लिस्ट में डालिए, फोर इसमें क्लोज फोर्टी इंपॉर्टेंट है सर इसके लिए। क्लोजिंग इस पे 445 के ऊपर होनी चाहिए, तब फिर इसमें बाइक का सिग्नल बनेगा। उसके बाद लेवल्स क्या होंगे सर? सर पहला टारगेट 480 का होगा, 500, 540। ठीक है, और जब चंदर जी बोलते हैं तो जरूर वॉच लिस्ट में डालना चाहिए, वरना बहुत सारे एक्सपर्ट बोलते हैं और वो सारी चीजें अलग हैं, लेकिन चंदर जी जब बोलते हैं तो बहुत कंक्रीट बोलते हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान से इसको इस पे नजर रखिए। 445 के ऊपर की क्लोजिंग देता है तो बाय का सिग्नल है, एंट्री कर जाइए,
टारगेट्स आपको बता दिए गए हैं। स्टॉप लॉस क्या बता रहे हैं सर वहां पे? सर स्टॉप लॉस इसमें एक बार के लिए 400 का लगाना है, प्राइस जैसे जैसे ऊपर जाएगा अपने स्टॉप लॉस ऊपर शिफ्ट कर लेंगे, ट्रेल करते जाएंगे। ठीक है, 445 के आसपास की एंट्री करके 400 के आसपास का स्टॉप लॉस उस समय लगाएंगे। सर इसमें टारगेट और भी ऊपर के हो सकते हैं, 540 से भी ज्यादा के टारगेट हो सकते हैं। ठीक है, ये भी एक उसी तरीके के चाहिए। तो 540 तक का तो पहले बता दिया, लेकिन ये करते हैं चंद्र जी, तो अपने लेवल्स भी देते हैं और लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा ऊपर कई ज्यादा स्टॉक्स जाते हैं। और इसलिए जो अभी अगर आपको याद हो तो वो जो कह रहे हैं कि 70-75% प्रॉफिट बुक करें और 25-30% पड़ा रहने दें, उसका रीजन ये है क्योंकि उसके बाद के लेवल्स क्या होंगे उन्हें भी नहीं पता होता, या उन लेवल्स को वो मार्क नहीं करते हैं कम से कम, तो वो ये कह देते हैं कि यहाँ पे इतना डाल करके छोड़ दीजिए, 20-25% पड़ा रहने दीजिए, एक बड़ा मुनाफा तो आपने ऑलरेडी बुक कर लिया है, हो सकता है कि वो और ग्रो करे और ग्रो करे, और ज्यादातर ये हो जाता है। तो वही इसमें भी कह रहे हैं 540 से और कहीं ज्यादा हायर लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो इस काम के लिए ड्रेजिंग क्रॉप। इंटरेस्टिंग सर, ठीक है। इसके अलावा कुछ बता रहे हैं सर कि मैं कुछ एक सवाल ले लूं दर्शकों के? सर एक स्टॉक दिया था वीएसटी इंडस्ट्रीज करके 3300 पे, उसमें मोमेंटम स्टार्ट हो गया, वो 3640 का कल का हाई था, अब इसमें लगता है 3800-4000 का टारगेट बहुत जल्दी आएगा इसका। ठीक है, वीएसटी इंडस्ट्रीज में मोमेंटम स्टार्ट हो गया है, दो दिन से मोमेंटम दिख रहा है, 3800-4000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं जल्दी। ठीक है, ठीक है चंद्र जी, मैं कुछ एक सवाल ले लेता हूँ क्योंकि हमारे दर्शक काफी सारे सवाल आज भेज रहे हैं, और प्रसाद सर क्योंकि ज्यादातर पोर्टफोलियो स्टॉक्स पे बात करते हैं तो इसलिए मैंने वो सवाल आपके लिए रखे हुए थे। सबसे पहले इसके जैन जी का सवाल है, एमएसटीसी लिमिटेड क्या करना चाहिए? बाइंग प्राइस है 266 की ऑलरेडी। सर एमएसटीसी का आज रिजल्ट है, और ये 283 के ऊपर इसमें बहुत अच्छा मोमेंटम आए। ठीक है, शायद मैं गलत से चंद्र मोमेंटम आएगा, हाँ। वो इसको 300-350 के जोन पे लेके जाएगा, तो पर आज एंट्री नहीं करनी है, आज आज रिजल्ट है, आज वेट करना है इसका। ठीक है, नहीं इनकी पोजीशन 83 के ऊपर सस्टेन होता है तो फिर आज भी एंट्री की जा सकती है, लेकिन इन्हीं लेवल्स के आसपास की इनकी ऑलरेडी पोजीशन है, 266 की खरीद है। तो सर 248 का क्लोजिंग, 248 का क्लोजिंग बेस, 248 का क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए। ठीक है, तो ये राय है जैन साहब आपके लिए। रोहित जी का एक सवाल था एम्बर एंटरप्राइजेस पे, सर उस पे एक व्यू दे दीजिए। अंबर एंटरप्राइजेस, यस सर, सर स्टॉक दो दिन से मोमेंटम में है, 3025 क्रॉस करेगा तो इसमें अच्छा मोमेंटम आएगा, और 3070 क्रॉस कर गया तो स्टॉक ब्लास्ट हो जाएगा ऊपर की साइड। ठीक है, तो अभी एंट्री लेनी चाहिए, अभी नहीं लेनी चाहिए? नहीं सर अभी नहीं लेनी चाहिए, ये राय है एम्बर पे। रोहित जी आपको जवाब मिल गया होगा। जैन साहब आपका बीईएल अभी ले लेते हैं। मनीष जी का एक सवाल है जीएमआर इंफ्रा पर, कल भी हमने कुछ एनालिस्ट से इसको डिस्कस किया था, तो कल का वीडियो भी मनीष जी अगर आप देख लेंगे तो आपको डिटेल भी मिलेगा और कुछ एक्सपर्ट्स की राय मिलेगी, लेकिन आज चंद्र जी की क्या राय है वो भी देख लेते हैं। चंद्र जी, मनीष जी पूछ रहे हैं जीएमआर इंफ्रा पे क्या करना चाहिए, एग्जिस्टिंग पोजीशन है? सर ये स्टॉक मैंने मेरे क्लाइंट्स को 25 रुपए में बाय कराया हुआ है, ये स्टॉक बहुत बुलिश लग रहा है और इसका एंट्री टारगेट 35-40 का इजीली पॉसिबल है। ठीक है, कल भी जो हमने व्यू इस पे एक्सपर्ट्स ने दिया था वो भी स्ट्रॉन्ग बुलिश थे। ठीक है, लेवल्स क्या देख रहे हैं सर और क्या टाइमलाइन के अंदर में? सर 35-40 का टारगेट, 35-40 का टारगेट है। ठीक है, ठीक है, बहुत सारे लोग आपको शुक्रिया कह रहे हैं चंद्र जी का भी। प्रकाश जी हैं कह रहे हैं बहुत बढ़िया चंद्र जी, बहुत अच्छी कॉल्स दे रहे हैं। ठीक है, रविंदर जी TN पेट्रो पे अभी सवाल ले लेते हैं, एक और किसी दर्शक ने पूछा था। सर दो और रिजल्ट हैं क्या, एंथोनी वेस्ट और रेलटेल, एक रेलटेल पे सवाल ले लेते हैं, रेलटेल बता दीजिए, दो में से एक तो ले लेते हैं।
रिजल्ट के चलते क्या इसमें कुछ अपॉर्चुनिटी है? सर ये स्टॉक 151 के ऊपर अच्छा लगता है और 156 57 सस्टेन करता है तो इसमें अच्छा ऊपर का मूव आएगा, वो उसको 170-180 पर ले जा सकता है। ठीक है चंद्र जी, अभी हम जो जीएमआर इंफ्रा डिस्कस कर रहे थे उसमें विश्वजीत दास जी हमारे एक दर्शक हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें प्रमोटर सेलिंग है, आपकी जानकारी में है? हेलो चंद्र जी, आपको आवाज आ रही है? चंद्र जी आप मेरे को सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है आपको? एक बार कनेक्ट फिर से करते हैं आपके, उसमें बीच बीच में आवाज आ रही है आपको? हाँ मुझे आ रही, लेकिन आपकी आवाज बार बार कट रही है। हाँ सर अभी ठीक है। ठीक है चंद्र जी, एक दर्शक हमारे हैं विश्वजीत दास जी, वो कह रहे हैं कि जीएमआर इंफ्रा में प्रमोटर सेलिंग दिख रही है, आपको आपको है जानकारी उसके बारे में कुछ? सर चार्टिकली स्टॉक बढ़िया लग रहा है, प्रमोटर सेलिंग के बारे में आइडिया नहीं है। ठीक है चार्टिकली स्टॉक बढ़िया लग रहा है जी। तो विश्वजीत जी, चंद्र जी जो शुद्ध चार्ट देखते हैं, शुद्ध एनालिस्ट हैं, तो इधर उधर खबरों पे और बाकी चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ती उनको, कहते हैं कि चार्ट से ही सब काम हो जाता है तो जरूरत नहीं है। अबान ऑफशोर अपने कवि प्रकाश जी पूछ रहे हैं, मेरे ख्याल से अबान ऑफशोर ऑलरेडी चंद्र जी ने सजेस्ट किया हुआ है, और अभी क्या स्टेटस है सर उसमें? कुछ बीच में मेरे ख्याल से कुछ एक उछाल आया था ना चंद्र जी? सर आया था पर असली दिवाली चालू होगी 53 के ऊपर, आपके व्यूअर्स को बोलिए 53 का वेट करें, 53 के ऊपर ये सस्टेन करता है डिसाइसिवली तो उसमें आराम से एंट्री करें और वो उनको ब्लॉकबस्टर देगा। अच्छा उन्हीं लेवल से अभी लौट गया है 52-50 के आसपास आकर के और वापस रिट्रेसमेंट आ गया है उसमें। ठीक है तो ये कह रहे हैं चंद्र जी कि 53 के ऊपर जाता है 53 के ऊपर तब इसमें तो वही सर इसको 53 क्रॉस करने दीजिए डिसाइसिवली फिर ये आपको अच्छा रिटर्न देगा। ठीक है चंद्र जी, मैट्रिमोनी पर व्यू दे सकते हैं क्या एक बार देख लीजिए चार्ट? सर इसमें ट्रेंड अच्छा बन रहा है, 1007 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसमें अच्छा अप मूव आएगा। ठीक है 1027 तो ओवरऑल ट्रेंड कह रहे हैं कि ठीक है, लेकिन लेवल्स क्या 1007 के ऊपर में मूवमेंट देगा? सात ठीक है 1007 ठीक है 982 पे है 1007 जब ब्रेक करता है उसके ऊपर चलता है तो एक अच्छा मूवमेंट इसमें मिल सकता है। ठीक है चंद्र जी, आपने तमिलनाडु पेट्रो पे कुछ व्यू दिया था क्या टीएन पेट्रो पे? नहीं सर देख सकते हैं एक बार चार्ट? यस सर एक 111 112 के आसपास चल रहा है अभी, ट्रेंड तो बुलिश दिख रहा है मतलब कम से कम सर शॉर्ट टर्म बहुत बुलिश है इसका जी, और 13-14 ऊपर सस्टेन करता है तो ये 120-30-40 तक भी जा सकता है। ठीक है 113-114 के ऊपर निकलेगा तो 130-140 भी जा सकता है तमिलनाडु पेट्रो। इंटरेस्टिंग ठीक है रविंदर जी, बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं, रविंदर जी कुछ सवाल कम पूछिए या बाकी लोगों के लिए भी थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए। ठीक है गजेंद्र जी का एक सवाल है HDFC, उन्होंने आगे पूरा नहीं लिखा तो मुझे लगता है HDFC पर ही चाह रहे होंगे या HDFC बैंक पे, तो शायद नहीं होगा क्योंकि HDFC बैंक नहीं कहा है उन्होंने। सर अभी ये सपोर्ट पर है और इसमें रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है 25890 तक, इसलिए मैं इसको अभी नहीं लूंगा। सर इसी की एक सिस्टर कंपनी थी HDFC लाइफ जो मैंने लास्ट टाइम रिकमेंड किया था 721 के ऊपर बाय करना, आज वो 727 चल रहा है।
अभी एंट्री के लिए एकदम लेवल आ गया। यस सर। ठीक है, इससे पहला टारगेट 730 का था, दूसरा 744-745 का है और 751 के ऊपर बंद होता है ये, तो ये जुलाई सीरीज का स्टॉक हो सकता है जो 800-850 तक भी जा सकता है। ठीक है, जुलाई सीरीज के लिए इंश्योरेंस सेक्टर की सारी कंपनियां चल रही है, आईसीआईसी प्रू भी चल रहा है और एसबीआई लाइफ भी चल रहा है और आज थोड़ा थोड़ा मोमेंटम एचडीएफसी एएमसी में भी आ रहा है, तो पूरे सेक्टर में अच्छे ट्रेंड है। चंद्र जी, प्रकाश पाटिल जी का रैली सस्टेन होनी चाहिए। हाँ, रैली सस्टेन। उत्तम शुगर देख लीजिए, शुगर सेक्टर में क्या हो रहा है सर, कुछ हो रहा है कि अब हो गया उसकी साइकिल पूरी हो गई, अब दिवाली का वेट करना होगा या अभी भी कुछ है? उत्तम ना सर? जी उत्तम सर, ये शुगर स्टॉक ने लोगों को दिवाली बना के दे दी है सर। 5.5 रुपए वाला नहीं, 203.75 उत्तम शुगर मिल्स। कल से शुगर सेक्टर में वापस नई रैली आई है, ये स्टॉक अभी भी अच्छा लग रहा है और इसका जो इमीडिएट टारगेट हो सकता है वो 225-240-250 हो सकता है। ठीक है, पर सर ये सब स्टॉक्स बहुत रन अप कर चुके हैं, तो आप इन्वेस्टर्स को बोलते जाइए कि प्रॉफिट बुक करते जाए और प्राइस जब उनके प्राइस से ऊपर निकल जाए तो कम से कम कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगा ले कि नुकसान नहीं हो इस चीज में, नहीं तो आप ट्रैप हो जाओगे इस चीज में। ठीक है, तो ये कह रहे हैं चंद्र जी जैसे बहुत अच्छी रैली आ चुकी है, सब सुगर स्टॉक्स में तेजी आ चुकी है, भाग चुके हैं तो एक लेवल पे पहुंचे हुए हैं जो जहां से कि कभी भी एक डिप गिरावट कुछ भी एक हल्का सा भी बाजार के अंदर में कोई भी ऐसी खबर आती है कुछ भी होता है तो उसके चलते एक डिप आ सकती है और आपका स्टॉप लॉस कट सकता है। अगर आप मुनाफा कमा रहे हैं तो कम से कम अपने कॉस्ट को बांधते चलिए, उसको सेव करते चलिए और उसका तरीका यह है कि आप जब प्रॉफिट में आपका शेयर चल रहा है एक अच्छे मार्जिन पे ऊपर चला जाता है तो आप अपना स्टॉप लॉस धीरे धीरे खिसकाते चलिए और उसको कम से कम कोशिश ये करिए कि आपके बाइंग प्राइस के ऊपर आ जाए, जिससे कि अगर कटता भी है स्टॉप लॉस तो भी आपका नुकसान कुछ नहीं होने वाला, आपकी पूंजी पूरी सुरक्षित है, आपका छोटा सा मुनाफा उस पर सुरक्षित हो जाए, तो वो उसको सुरक्षित करते चलिए, बचाते चलिए, उसको सेफगार्ड करते चलिए, ये कह रहे चंद्र जी। ठीक है सर। सर दीपक मल्होत्रा जी का सवाल है रिलायंस पे, RIIL। सर रिलायंस में 2050 का सपोर्ट है, उसके पास है, अब डाउन करिए। नहीं, रिलायंस इंफ्रा पे है ये, RIIL। सर रिलायंस ही पूछा ना आपने? हाँ, रिलायंस इंफ्रा। ओके सर, इंडस्ट्रियल इंफ्रा RIIL सर, वो इंफ्रा तो 80 रुपए वाला है सर। हाँ, 800 रुपए वाला, वो वाला नहीं, 800 वाला 809। लास्ट टाइम आपके शो में आया था तब 840 चल रहा था जी, इनकी इनकी खरीद लास्ट टाइम आपके शो में आया था तो 840 चल रहा था ये। हाँ, तब मैंने बोला था उन्हीं लेवल्स पर, तब मैंने कहा था स्टॉक बहुत ओवरबॉट है, अगर जो आपकी पोजीशन है आपने वहां पर सर वहां प्रॉफिट बुक करना चाहिए था, क्योंकि सर बहुत टॉप 400 से रैली हो गई, 800 हो गया स्टॉक और बहुत शॉर्ट टाइम में हुआ, तो थोड़ा करेक्शन आएगा सर स्टॉक पे। ठीक है, अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि इनकी खरीदी शायद एंट्री शायद 840 की है। और आज की ही है। ४४५ से नीचे खिसका है ये, 810 के आसपास आ गया है। सर उनको बोलते हैं 790 का क्लोजिंग में से स्टिक स्टॉप लॉस लगा ले, उसके नीचे जाए तो स्थिति स्टॉक एक बार काटते हैं, ये वापस 750-700 तक आ सकता है। ठीक है, तो दिनेश जी ये राय है कि स्टॉप लॉस लगा लीजिए, इसमें आप समझ गए आपको राय क्या दे रहे हैं चंद्र जी कि नीचे जा सकता है। और रिलायंस के शेयर में वो कल से एजीएम के बाद से चंद्र जी ये सारी चीजें हो रही हैं। यस सर, रिलायंस
इंडस्ट्रीज पे क्या करना चाहिए? 2100 के आसपास चल रहा है, अपने लोज के आसपास है, आज ही आज में करीब 2.5% 3% की गिरावट दिखा रहा है। सर कोई एग्रेसिव ट्रेडर है और जो ऑप्शंस में ट्रेड करता है उसको उसका 2200 का कॉल जो अभी चल रहा है 50 आसपास में, उसको ऐड करना चाहिए 30 रुपीज का स्टिक स्टॉप लॉस लगा के क्लोजिंग बेसिस, जो ऑप्शन में ट्रेड भी करते हैं। ठीक है, लेकिन इसका बहुत असर बाजार पर नहीं पड़ रहा है। तो सर बाजार पे अच्छा नहीं पड़ने का रीजन है कि आईटी स्टॉक आपके सब चल रहे हैं और सारे हेवीवेट चल रहे हैं, टीसीएस, इंफोसिस, और अब कुछ बैंकिंग जो बिग बैंकिंग स्टॉक्स है, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपका इंडेक्स मैनेज हो रहा है वैसे। ठीक है, तो इंडेक्स कंट्रोल में है और रिलायंस के शेयर्स का उस पर असर नहीं आ रहा है। ठीक है, अनूप साहू जी का एक सवाल है और एसके जैन भी पूछ रहे हैं, टाटा हिसाब से सर रिलायंस गिरा हुआ है कि बाउंस बैक आएगा रिलायंस में? अच्छा ठीक है, तो रिलायंस में बाउंस बैक आ सकता है, उस पर अलग से एक बार चर्चा तो कर लेंगे। कॉल वाला जो ट्रेड रहेगा सर, उसका कॉल का ट्रेड फायदेमंद होगा, आपकी रिस्क 5000 की होती है और ये आपको रिटर्न अच्छा दे सकता है। ठीक है, कॉल में काम किया जा सकता है रिलायंस में, ये कह रहे हैं चंद्र जी। चंद्र जी टाटा पावर एक बार देख लीजिए। यस सर, सर टाटा पावर बहुत अच्छी जगह से सपोर्ट ले रहा है, जब तक ये 118 होल्ड कर रहा है क्लोजिंग बेसिस तब तक ये स्टॉक बुलिश है, ये वापस अपनी जर्नी स्टार्ट करके 130-135 जा सकता है। ठीक है, स्ट्रांग है, 130-135 जा सकता है, बने रहिए या ले नई एंट्री भी कर सकते हैं क्या इन लेवल्स पे 122 पे? सर कर सकते हैं, 118 का स्टिक स्टॉप लॉस आया क्लोजिंग बेसिस का इसमें। ठीक है, 118 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में एंट्री कर सकते हैं, 130-135 के भाव देखने को मिल सकते हैं। रविंद्र जी का एक सवाल है, कई बार पूछ चुके हैं, SW सोलर पे ले लीजिए सर, एक आखिरी सवाल। सर SW सोलर अच्छा लग रहा है, आज ही इसमें ब्रेकआउट आ रहा है, 257-258 के ऊपर निकल गया स्टॉक, तो पहला टारगेट इसका 266 का होगा और 266 के ऊपर क्लोज आता है इसमें तो इसमें टारगेट 280-300 जो है। ठीक है रविंद्र जी, ये राय है, आज ये स्टॉक मेरे रिकमेंडेशन लिस्ट वाला था। ठीक है, आपने दिया नहीं लेकिन तो हमारे दर्शकों ने खुद ले लिया आपसे। सर ये स्टॉक मेरे रिकमेंडेशन लिस्ट वाला था। ठीक है, लेकिन आपने अभी आपने शेयर नहीं किया तो हमने आपसे जबरदस्ती ले लिया। एक बार लेवल्स बता दीजिए इसमें SW सोलर में फिर से। सर 257 के ऊपर में पहला टारगेट इसका 266 का है, 266 के ऊपर सस्टेन होता है स्टॉक 15-20 मिनट तो इसका टारगेट 280-300-325 भी पॉसिबल है। ठीक है, ये अपने बहुत बड़े कंसोलिडेशन का पूरा ब्रेकआउट करके बाहर आ रहा है और स्ट्रांग है, मतलब रिलायंस की मीटिंग में जो एनर्जी सेक्टर के लिए बातें हो रही थी उसका भी ये बेनिफिशियरी हो सकता है। अच्छा। तो उस बोल के भी इसमें रहना पा रहे। ठीक है, जो क्लीन एनर्जी पे जो रिलायंस ने कहा है कि एक बड़ा पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और उस पूरे बाजार के अंदर में एक बड़ा माहौल बन रहा है, गर्माहट है, उसका फायदा भी कह रहे हैं रविंद्र जी ये आपके लिए कि SW सोलर पे फायदा हो सकता है। ठीक है सर, एक बार स्टॉप लॉस इसमें क्या लगेगा फिर? सर इसमें स्टॉप लॉस लगेगा 240 का क्लोजिंग बेसिस के लिए और 80 मोमेंटम 266 के ऊपर आएगा स्टॉक में। ठीक है, 10 रुपए बाद इसमें अच्छा मोमेंटम उसके आगे देखने को मिलेगा अगर 266 को जब ये क्रॉस करता है। टारगेट 280 और 300 तक के हैं, 240 के स्टॉप लॉस के साथ में SW सोलर, स्टर्लिंग एंड विल्सन लिमिटेड। ठीक है, बहुत शुक्रिया चंद्र जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए, थैंक यू सो मच, और इंटरेस्टिंग कॉल्स, बहुत सारे लोग, आप एक बार आज के कमेंट जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे लोगों ने आपको बहुत शुक्रिया कहा है और वो आपसे ग्लोबस स्पिरिट जैसा जैकपॉट और मांग रहे हैं, तो अगली बार कोशिश करते हैं कि फिर जब आप कनेक्ट हो तो दीजिएगा। वैसे जिस तरीके का मार्केट है थोड़ा मुश्किल है, मुझे लगता है ऐसा मुश्किल है, लेकिन अगर आपके लिए मुश्किल नहीं है और आपके लिए उतना आसान है ढूंढ पाना तो मोस्ट वेलकम, हम फिर अगली बार जुड़ेंगे और एक बार जैकपॉट शेयर ग्लोबस स्पिरिट जैसा एक बार कुछ और दीजिएगा। थैंक यू सो मच सर। SWS सोलर भी जैकपॉट बन सकता है। अच्छा, SWS सोलर भी जैकपॉट बन सकता है। ठीक है, लेकिन आपने छिपा के रखा था, हमारे दर्शकों ने निकाल लिया आपसे, तो ये अच्छी बात है। रविंदर जी बहुत आपको भी शुक्रिया कि आपने ये हमें बताया और वाला।
ठीक है। अच्छा दिनेश जी, चलते चलते एक पूछना, एक सवाल और ले लेते हैं चंद्र जी, बस एनबी वेंचर्स पे दे दीजिए अपनी राय। सर ये एनबी वेंचर्स मैंने आपको शुरू में 90 रुपए में दिया था, इसका टारगेट 100-125 तक का था, उस सारे टारगेट हिट हो गए। ठीक है, अभी क्या करना चाहिए, नई एंट्री के लिए या नई पोजीशन किया जा सकता है? अभी सर नई एंट्री ली जा सकती है इस प्राइस पे, और वो स्टॉप लॉस लगा 95 का क्लोजिंग बेसिस के लिए। ठीक है, 95 के स्टॉप लॉस के साथ में क्लोजिंग बेसिस पे लिया जा सकता है। टारगेट्स फिर वैसे ही होंगे 120-125 के आसपास के। सर इस बार पहला टारगेट आप समझ लो 125 का है, और 25 निकल गया तो इस बार 40-50 के टारगेट हो जाए। ठीक है, 125 मिनिमम और उसके ऊपर 140-150 तक के। ठीक है, री एंट्री के लिए चंद्र जी का, हाँ वही कह रहे हैं दिनेश जी, वही कह रहे हैं कि आपका स्टॉक था एनबी वेंचर्स, री एंट्री के लिए पूछ रहे थे। और ठीक है, तो सभी लोग आपको शुक्रिया कह रहे हैं, और एक बार आप नजर जरूर मार लीजिएगा आज के कमेंट्स पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आपको थैंक यू कहा है आपकी कॉल्स के लिए। शुक्रिया चंद्र जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने के लिए, धन्यवाद।